आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो बस वही बता सकता है जिसने कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। वैसे आम तौर पर लोगों का यही मानना होता है कि प्रेत और भूत नहीं होते हैं, पर जर्मनी की एक घटना ने वहां के लोगों की रूह कपा दी थी। तो क्या था रहस्य उस जगह का जहां वो एक महिला अपने बच्चे के साथ रहने गई थी? घटना है जर्मनी की। तो जर्मनी में एक अजीबोगरीब घटना ने सभी को दहशत में डाल दिया। यहां सुनसान इलाके में बने एक घर में एक महिला जब अपने बच्चे के साथ रहने गई थी तो कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी कि उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। आपको बता दें कि वहां रहने के अलावा उस महिला के पास दूसरा और कोई विकल्प भी नहीं था, लिहाजा उसने इसी घर में रहने का फैसला लिया। कुछ ही दिन बाद घर से अजीब अजीब तरह की आवाजें और आहटें आने लगी। एक दिन पता नहीं कैसे अचानक मक्खियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। महिला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घबराई महिला ने अपने साथ घट रही सारी घटना को एक पादरी को जाकर बताया। पादरी ने महिला की बात सुनने से पहले ही कह दिया कि उसे सब पता है। पादरी ने फिर महिला को बताया कि उसके घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा आत्माओं का डेरा है। पादरी की बात सुनते ही महिला जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप तक ऐसी ही रोमांचक वीडियोस पहुंचाता रहूं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। फिर जब उस महिला को होश आया तो वो पादरी के सामने जोर जोर से रोने लगी कि उसे इस नर्क से बचा लीजिए। अगले दिन जब वो पादरी उस महिला के घर जाता है, तभी उस घर का गेट के सामने उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि वहां कई सारे कौओं की लाशें पड़ी हुई थी जिनका सर कटा हुआ था। फिर जैसे ही वो उस घर के अंदर जाता है, तभी उसे एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कहीं कोई मांस सड़ रहा हो। फिर भी वो हिम्मत करके उस घर में शुद्धि करने का रिचुअल स्टार्ट करता है, और जैसे ही रिचुअल स्टार्ट होता है, तभी वहाँ की सारी लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती है, और घर का सामान इधर उधर उड़ने लगता है, और फिर अचानक से वहाँ अंधेरा हो जाता है, जिसमें से एक हाथ पादरी के गले पर आता है और उसे घसीट कर घर के बेसमेंट में ले जाता है। तब वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और तभी उसे एक अनजान शक्ति उसके बालों से पकड़कर उस महिला को भी उस घर के बेसमेंट में ले जाने की कोशिश करने लगती है। उस महिला के घर की तभी अचानक से डोरबेल बज जाती है, एंड सब कुछ एक पल के लिए मानो थम जाता है। तब वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। तो उस पादरी के साथ आखिर क्या हुआ, और क्या था रहस्य उस घर का और उन 200 आत्माओं का, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज हमेशा याद रखें, कहा भी जाता है कि अगर आपको कहीं घूमते हुए या सुनसान जगह पर अचानक अजीब सी खुशबू आने लगे, तो आप समझ जाइए कि उस जगह पर आत्माओं का वास है। वहां आपको नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी, ऐसी जगह से निकलने में ही भलाई है, आप मानो या ना मानो। तो गाइस, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।